ए और आर के बीच में डॉट करना है, फिर उसके ऊपर डेल ऑपरेटर ऑपरेट करना है। सबसे पहले हमें ए वेक्टर आर वेक्टर पता हो जाए। ए वेक्टर क्या होता है? ए वन ए टू ए थ्री डब्ल्यू। और हमें आर वेक्टर पता होना चाहिए। आर वेक्टर होता है एच वन डी। उसके अंदर होता है आई कैप डी एस जी कैप डी वाई वी कैप डी एस। क्योंकि वहाँ एच वन एच टू एच थ्री वन वन हो जाते हैं, तो वहाँ यू कैप की जगह आई कैप और डी एस यू की जगह डी एस आ जाता है। एच वन नहीं आता है, नॉर्मल हो गया। एच टू बी कैप एच थ्री कैप दोनों का डॉट करना है। ए वन एच वन बी ए टू एच टू बी अब डेल ऑपरेटर ऑपरेट करना है। डेल ऑपरेटर जो है वो ए वेक्टर और आर वेक्टर को ऑपरेट करना है। डेल वैल्यू इसके अंदर क्या होती है? क्या सब वक्र रेखा में चल रहा है तो कोई भी काट के नहीं लेके चल रहा है। ये हो गया h1 डेल ओवर ए बी क्या अपॉन h2 डेल ओवर डेल और w क्या ओवर h3 डेल ओवर और इसके किसके ऊपर ऑपरेट करना है आपको? ए वन एच वन ए टू टू वाला ऑपरेट करते हैं। मैंने इसके लिए तीनों में लगेगा तो कोई डॉट नहीं है इसमें, इसको तीनों पे ऑपरेट करते हैं। यू के रिस्पेक्ट में आप कलर करो इसका, फिर इसका इसका इस दोनों का तो जीरो हो जाएगा। बचेगा क्या आपका? ये बात कितना आएगा इसका? इसके लिए इसको कर रहे तो H1 से H1 कैसे ए वन बचेगा और डेल का यू के रिस्पेक्ट करेंगे ए वन क्या बचेगा? ए वन यू के। आप इसका करोगे तीनों के लिए तो इन दोनों के लिए तो जीरो। इसके लिए H2 से H2 कैंसिल ए टू बी के। अब इसको इन तीनों के लिए करो ए थ्री और यही हमारा ये तो
चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालो. दिस इज नामिक निर्देश. इनका नहीं मालूम घर पर डाल दे हो जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक डालो. दिस इज नामिक निर्देश स्पेशल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. अभी हम तक हम जो चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं कौन से निर्देश तक पढ़ा है वक्ररेखीय. अब आपको विशिष्ट निर्देश तक पढ़ना है. विशिष्ट के अंदर तीन निर्देश तक पढ़ेंगे. पहला पढ़ेंगे कार्तीय, दूसरा पढ़ेंगे बेलनीय और तीसरा पढ़ेंगे गोलीय. तीनों निर्देश तंत्र के अंदर आपको ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ का मान निकालना है. कार्तीय पढ़ोगे उसमें तीनों का मान, बेलनीय पढ़ोगे उसमें तीनों का मान, गोलीय पढ़ोगे उसमें तीनों का मान. तीनों के अंदर तीनों के मान निकालना. ये आपके विशिष्ट निर्देश तंत्र है. पहला पढ़ाऊंगी मैं कार्तीय निर्देश तंत्र. पहला डालिए कार्तीय निर्देश तंत्र. देखो जरा मैंने बोला था मुझे तीन चीजें निकालनी है. ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर मुझे पता है इसमें ग्रेडियंट डाइवर्जेंस का मान वक्ररेखीय के अंदर ग्रेडियंट का मान जो होता है u के अपॉन h का डेल फाई पर डेल v होता है. तो मतलब मुझे अगर कार्तीय में चेंज करना है तो मुझे u कैप v कैप और u कैप का मान बताओ कार्तीय के अंदर h1 h2 इसका पता होना चाहिए और कर्ल जब निकालते हैं तो उसमें आता है हमारा a1 a2 a3. तो उसमें आपको मतलब a1 का मान तीनों चीजें निकालनी है, a2 का मान और ये मतलब मुझे इन मान ये सारे मान कार्तीय के अंदर निकालना है. u कैप तो हम लेते हैं वक्ररेखीय के अंदर और कार्तीय में ये चलता है लेकिन आपको ये पहले फाइंड ही करना है कि 111 होते कैसे. वो तो मैंने वहां पर कंपेयर करके बता दिया था 111 हो गई मैंने निकलवाया था उसके अंदर मान वक्ररेखीय में. मुझे पहले से पता था ये कार्तीय में होता है तो मैंने कब पहले बता दिया था कि h अंदर हो गया. लेकिन अब आपको क्या करना है इसके गुणांक का मान कार्तीय निर्देश तंत्र के अंदर निकाल के लाना है. अब निकालना कैसे है वो देखते हैं. इसको हटा दो बनिया हो गई तो अब इधर कोई कार्ड है अगर यहाँ रखा है तो उसके निर्देशांक कितने होंगे कार्तीय एक्स वाई जेड. तो मतलब यहाँ पर जो
और इसका अगर मैं दो निकालू स्थिति सदिश को क्या होगा आर वेक्टर, इसके अंदर जो आर वेक्टर को फलन होगा वो किसका होगा एक्स वाई और जेड का, और वक्र रेखीय में जो आर वेक्टर होता है वो फलन होता है यू वी और डब्ल्यू का, दोनों का पता है। चलो ये बना लो, इसके अंदर बनाया पहले लंबे वक्र के निर्देशन की बात करते हैं, लंबे वक्र के निर्देशन में आर फलन होता है वो होता है हमारे यू वी डब्ल्यू का। जब यहाँ से हम डी आर वेक्टर निकालते हैं जो आता है रेडार ओवर ए यू बी रेडार ओवर ए बी ये आ गया। अब मुझे पता है डेलार ओवर डेल बी किसके बराबर होता है, बेस वेक्टर आधार सदिश बी वन बी टू बी थ्री, इसे लिख सकते हैं बी वन वेक्टर बी बी टू वेक्टर बी और बी थ्री वेक्टर बी वन। लेकिन मुझे मान किसके निकालने, स्केल गुणांक के, स्केल गुणांक के मान, तो इसको स्केल गुणांक में चेंज करो, स्केल गुणांक में चेंज करने के लिए क्या लिखते हैं बी वन को एच वन एच टू जो हम पढ़ चुके हैं। अब बात करनी है हमें कार्तीय में कन्वर्ट करना है, अब कार्तीय निर्देशन आज जो फलन होगा वो किसका होगा एक्स वाई बराबर होगा आई कैप डी एक्स के, तो u कैप तो i कैप के बराबर आ जाएगा, d u dx के बराबर आएगा h1 बट दोनों का क्या है ठीक है। दोनों का कंपेयर करते हैं समीकरण एक बार, दो h1 का मान आएगा 1 h2 का आएगा 1 s3 का आएगा, इसका मतलब k में इसके गुणांक के मान कितने थे 1 1 1, जब तीनों मान आ गए तो हमें यहाँ पता चल गया, इससे हम ग्रेडियंट भी निकाल सकते हैं डाइवर्जेंस भी निकाल सकते हैं, जो उसके अंदर थे उनकी जगह रिप्लेसमेंट कर देना इनसे और वो फॉर्म आपको चेंज हो जाएगी कार्तीय निर्देशन। आगे से लिख ये बाद में लिखना कर जो कोई भी बोले कार्तीय निर्देशन, कार्तीय निर्देशन में एक्स वाई जेड समतल पर x y z समतल का स्टूडियो है, इन तीनों पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से, इन तीनों पृष्ठों के प्रतिच्छेदन से सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं जिन्हें है x y z अक्ष के अंदर x y z अक्ष के ये तीनों अक्ष परस्पर लंबवत होती हैं, तथा मूल बिंदु पर काटती हैं। ये तीनों अक्ष लंबवत होती हैं, तथा मूल बिंदु को पर काटती हैं। इन अक्षों की दिशाएं i कैप j कैप तथा k कैप हैं।
पांच सेंटर पूरा यहाँ पर एक लाइन लेते हैं ना समीकरण एक बार की तुलना करते हैं ऊपर से ये बात देखो एग्जाम के अंदर ये नहीं पूछता है क्योंकि ये वाली चीज फर्स्ट ईयर की इसलिए और इसमें कुछ भी नहीं है ये तो बस आपका सिलेबस है इसलिए मैं बता दूंगी जो पूछता है वो दो पूछता है या तो बीएड पूछेगा या स्टीयर पूछेगा ये नहीं पूछेगा कार्ड में कोई पूछता है कोई दोनों बहुत पूछता है या ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्व निकाल देंगे ऐसे हम पूछता है स्केल फैक्टर पूछता है जैकोबियन पूछता है ये नहीं पूछता है ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है जो है इसलिए बस उसके बाद ये लिख लेना साइड ग्रेडिएंट निकालो कवर का क्या फॉर्मूला होता है क्या होगा f पर theta over theta over f two theta over क्यों था हमारा पूरा लिखना है इसके आगे वर्क रेटिंग मैंने सीसीएस में किया है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम अब मुझे जो निकालना है वो निकालना है कार्टीशियन निर्देशक आ जाओ यू कर्व की जगह क्या करना है एक्स की जगह बनाना है दूसरी जगह ठीक है ग्रेडियंट हो गया अब क्या निकालना है आपको दूसरा डाइवर्जेंस किसका निकलता है सदिश राशि अब बताओ जरा देखिए मुझे दिया नहीं कितना देखो जरा निकाला होगा डाइवर्जेंस का मान बताओ वक्र की निर्देश समय में कितना है और h1 h2 कैसे निकलेगा
फिर यहाँ पर होता है डेल ओवर, अब होता है डेल ओवर डेल टू है क्या, डेल ओवर डेल टू और भी है ना आगे अब ठीक है, जो क्या करनी नहीं है कोऑर्डिनेट, अब जो डाइवर्जेंस निकालना है वो निकालना है, अब थ्री पार्टीशन है, अब देखो जरा जाए एच वन एच टू एच थ्री क्या होता है, बट ये तो खत्म, जीरो पर ए यू की जगह एक्स, ए वन की जगह वही दोनों वन, बी की जगह वाई टू ए वाई वो दोनों वन, अभी को लास्ट बचा है अब बचा है छोटा रहता है क्यों क्या सीसीएस अब क्या है अब सीसीएस इसकी जगह तो वन क्योंकि अब की जगह आई है वन 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 एक है सी है फिर वो डेल एक्स फिर वाई फिर ए वन की जगह ए एक्स एच वन वन ए वाई क्यों क्या ये कन्वर्टर हो गया मतलब एक ये का काफी हो गया ऐसे ही आपको डीलर में करना है और ऐसे ही आपको पोलर में करना है तीनों में ही काम करना है मेन काम तो आपका स्केल फैक्टर का है जो स्केल से कितना है स्केल गुणांक है ना उनके मान निकालने तीनों इसमें तो निकल गए वन वन अब काट के उसमें भी निकाल रहे बेलन में और निकाल रहे तीसरे वाले गोले में तीनों में जब पता चल जाएंगे बाकी तो सब पता है आई कैप जे कैप ए कैप के लिए रिप्लेस क्या होने वाला है वो सब पता है लेकिन बस स्केल फैक्टर नहीं पता होता किसका मान कितना होता है किसकी रिप्लेस वो निकालना होता है खत्म हो गया है
चलो जिसका हो गया करो एक चॉकलेट और एक सारे चॉकलेट लाइक पहले शॉपिंग करो फिर बाद में तो जब आवे शॉपिंग करोगे तो निर्देश बाकी हो गया आप डाली बेल डाली बेल नहीं है निर्देश Thank you.
अरे बातें नहीं करो
यू का कुछ होगा उसमें फाइव का कुछ भाग होगा और जेड का कुछ भाग होगा, जैसे एक्स वाई जेड का होता है तीनों से मिल गई कभी बनता है कार्तीय निर्देशक। अब इसमें करा क्या क्या होता है, किस प्रकार होता है, मुझे बेलन रो क्या होता है, बेलन के अंदर जो रो होता है जैसे एक्स अक्ष के अंदर एक्स होती है, ये वाई होती है, ये जेड होती है, ये तभी बनता है कार्तीय निर्देशक। ऐसे बेलन के तीनों का अलग अलग रोल होता है, क्या क्या रोल होता है तीनों का वो सुनते हैं पहले। रो का रोल क्या होता है, ये जो बनाते हो बेलन के लिए सबसे पहले यही बनते हैं ना, फिर बाद में ऊपर गोले बनते हैं, ये जो बनाते हो आप वो किसी त्रिज्या की बनाते हो, इस त्रिज्या का एक बेलन बनाए तो ये मतलब जो ये बनाया है आउटर पार्ट, ये है रो जिसकी त्रिज्या कितनी है, रो काम जो करता है वो होती है त्रिज्या बेलन की। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बेलन की त्रिज्या, क्योंकि बेलन जो होता है वो गोल होता है इस तरीके से, तो सब जगह से बराबर होना चाहिए, इसका भी सर्कल बनता है, इसका मतलब त्रिज्या रो का ये गोला बनाया है, ये बेलन का इमेजिन करता है। दूसरा आता है हमारा फाई, फाई क्या होता है, जो ये बेलन है ना, ये रो का काम, ये बेलन है ना उसको आप काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, सीधी सीधी चौक काटते जाओगे बहुत सारे तल निकलेंगे मिलेंगे, काटोगे अंदर से ही सॉलिड है, सॉलिड को काट के निकालते जाओगे तो बहुत सारे तलों से मिलकर क्या बना होता है, स्लेंडर बना होता है। तो मैंने जो लिया है ये इसमें तल बने हुए हैं बहुत सारे, तो हमने जो तल लिया है सी पी पी डैश और ओ, कोई भी एक तल ले लिया, पूरे का तो मैंने बताया नहीं तो खिचड़ी पक जाती है इसके लिए, तो मैंने क्या लिया कि मैंने एक तल माना जो बनाया हुआ है आपने सी पी ओ डैश, ये जो तल है वो किसका तल है, फाई का, जो कि एक्स वाई और जेड का आर्थिक निर्देशक तल से कितने कोण पर माना है, मैंने फाई कोण पर एक तल माना है, जो अब तीन से मिलके बनाऊंगा, पहला तो मैंने इसकी बाउंड्रियां मान ली जो आर्थिक जाती है, दूसरा मैंने जो अगर ये सॉलिड बनाना है तो इसके अंदर बहुत सारे तल होने चाहिए, जो तल होने चाहिए वो तल माने मैंने फाई कोण के, मतलब जो तल लूंगी इसके सापेक्ष जेड एक्स के सापेक्ष अंदर जा रहे हो, ये जो नीचे इसका बेस है वो एक्स है और फिर यहाँ पर जो चलेगा वो चलेगा इसका वाई, अगर ये लिया मैंने वाई तो इधर साइड जो चलेगा वो क्या चलेगा इसका एक्स, एक्स से जो तल माना है मैंने कितना माना है वो फाई कोण का, मतलब वो फाई कैसा कोण है जिससे ये तल बना होता है, तभी अभी हो गया ठोस, तल आ गए तल बन गया और ये बाउंड्री आ गई, अब ये बन गया ठोस इस जगह पर। अब तीसरा आ जा मेरा जेड, अब जेड के लिए पूरे सिलेंडर नहीं हुआ है, केवल ये बाउंड्री हुई है और अंदर से ठोस हो गया तल से। तीसरा ऊपर जो ढक्कन बंद कर रहे हैं तो गैप लगानी है इस पर, तो मैंने जब वो सिलेंडर जब बनेगा तो वो गैप भी लगानी पड़ेगी, ये दोनों गैप लगा दी, और जो गैप होती है वो होती है आपकी जेड सीपी, मतलब ये जेड जो होता है वो इस सर्कल का निर्माण करता है तीसरे सर्कल का, तो तीनों जब मिलते हैं तो बनता है बेलन, बन गया बेलन। रोज ये रो त्रिज्या का तो हमने इसकी आउटर मोस्ट पार्ट लिया, फिर इसको सॉलिड बनाने के लिए बहुत सारे तल लिए जो फाई कोण पे, और दो हमने इसके कैप लगाए, जब अगर सिलेंडर पूरा कंप्लीट करना है तो बंद करने के लिए, तो जेड का वो क्या इन दोनों के, ये जेड जो है वो सिलेंडर वो है सर्कुलर प्लेन, क्या बोलते हैं उसे, गोलीय तल, गोलीय तल बोलते हो, वृत्तीय तल, हाँ जो जेड है वो वृत्तीय तल है जो ऊपर और नीचे लगे हुए, जो रो है वो ये वाला ये प्लेन है जो इसकी बाउंड्री है रो त्रिज्या का, और इसके अंदर जो प्लेन चल रहा है वो वृत्तीय प्लेन नहीं है, अभी जो ये समतल है, और जो बेलन ठोस बनाओगे वो समतलों से बनाओगे, जो समतल है वो है फाई, ये तीन मिल गए, ठोस बनाने के लिए तो समतल बना दिया, बाउंड्री बनाने के लिए मैंने रो त्रिज्या का बाउंड्री बना दी, और ऊपर ढक्कन बंद करने के लिए मैंने इसके जेड के वृत्तीय तल बना दिए, और तीनों मिल गए तो मेरा बन गया यहाँ पर एक स्लेंडर। रो फाई और जेड का काम क्या, वैसे एक्स वाई और जेड का तो आप शुरू से पढ़ते हो कि एक्स ये होती है वाई ये होती है जेड ये होती है, तीनों पर लंबवत हो जाते हैं तो कार्तीय निर्देश तंत्र का निर्माण हो जाता है, लेकिन हमने बेलन का नहीं पढ़ा कि बेलन का निर्माण में रो फाई और जेड निर्देशांक आते हैं, तो रो फाई और जेड का काम क्या क्या होता है, रो का काम होता है इसके परिधि बनाना रो त्रिज्या की, फाई का काम होता है इसको ठोस बनाना तलों से मिलके और समतल से मिलके, और जेड का काम होता है वृत्तीय तलों को बनाना, द्वितीय तलों को लगाना, और जब पूरा ये द्वितीय तल बंद हो जाते हैं तो बन जाता है हमारा एक बेलन, तो ये बन गया मेरा एक बेलन, जो कि मैंने किस तंत्र के ऊपर रखा है, एक कार्तीय निर्देश तंत्र के ऊपर रखा हुआ है, और जो ये तल है वो एक्स अक्ष से कितना कोण बना रहा है फाई, अब ये फाई प्लस डी फाई क्या है, अब क्या है इसके अंदर एक तल लगा हुआ है, अब तल को पकड़ के मैं घुमाऊंगी, इसको ही देखते रहो बस इसको नहीं देखो, इस तल को पकड़ के घुमाया, जब घुमाया एक तल अगर यहाँ छिप रहा है
अगर भी मांगी तो इस दिन तू चाहिए, इस दिन तू बनवा चाहे, इस दिन तू पूरा गोला कवर करता जाएगा वो तन। तो मैंने ये जो दर्शाया है वो दर्शाया है कि ये बिंदु जब घुमाती हो तो यहाँ पहुंचाता है, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, ऐसे घूमते 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 बेस के ऊपर ही तो घूमेगा पूरा तल। तो ये घूमने के लिए दर्शाया गया कि तैल को पकड़ के जब आप घुमाते हो तो इसकी जो ये परिधि होती है नीचे वाली उसके सापेक्ष पूरा घूम जाता है। तो वो फाइव फोर्ड कवर्ड करता जाता है जैसे ये बीच में है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा फाइव फोर्ड बनता जाएगा पूरा। अब ये तीन बन गए, अब मुझे इनका प्रतिच्छेदन करना है। जैसे उसमें करते हैं एक्स वाई के प्रतिच्छेदन से डब्ल्यू वक्र मिलता है, ऐसे करते हैं ना जेड वक्र मिला। अब मुझे प्रतिच्छेदन करना है। सबसे पहले हम प्रतिच्छेदन करते हैं, हम एक्स और वाई का करते हैं तो क्या मिलता है डब्ल्यू। अब करेंगे हम इसके अंदर रूट का प्रतिच्छेदन करते हैं, रूट का रूट बराबर तो कॉन्स्टेंट माना है सी वन, और दूसरा करेंगे प्रतिच्छेदन फाई बराबर सी टू का। अब मैं प्लेन हटा लूंगी इसके अंदर देखेगा। सबसे पहले रो बराबर सी वन, रो बराबर सी वन क्या था बाउंड्री एक ही रो गया। दूसरा क्या है फाई बराबर सी टू, फाई बराबर सी टू क्या है तल, जो ये तल बन रहा था वो ऐसे बना हुआ था, यहाँ जेड एक्स जा रही थी और ये तल जो बन रहा था वो ऐसे बना हुआ था, ऐसे बन रहा है ये तल बन रहा है। देखिए अब इसमें जेड का तो रो लाइन है, अब मुझे पता करना है कि रो बराबर सी वन और फाई बराबर सी टू तलों से मिलके कौन सी ऐसी रेखा है जो बनेगी और जो मुझे कौन सा वक्र देगी जेड वक्र देगी। अब ये देखो ये और ऐसे बहुत सारे तल मिल जाए तो कौन सी रेखा ऐसी बन रही है कि जो कॉमन है प्रतिच्छेदन होता है दोनों में से कॉमन, ये सी पी पी डैश और ओ है ठीक है। अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर ये चलता जाएगा, ये तल बनते जाएंगे ठोस चलते जाओ, ये तो जेड अक्ष हो गई ये भी कॉमन है लेकिन ये कार्तीय निर्देश तंत्र की वजह से कॉमन आ रही है। फिर आगे चलो कौन सी रेखा मिली ये वाली पीओ पी डैश ऐसी रेखा आ रही है जो इन दोनों के प्रतिच्छेदन से उभयनिष्ठ है, कौन सी वाली पीओ पी डैश समझ में आ गया, ये भी है लेकिन ये जेड अक्ष इसका मैं बोल नहीं सकती कि है कि नहीं है क्योंकि मुझे ये पता है ये अक्ष जो रखी हुई है वो जेड अक्ष पर रखी हुई है, हो सकता है कार्तीय निर्देश तंत्र की वजह से हमें उभयनिष्ठ दिख रही हो इसलिए मैं बोलूंगी कि वो ये तो मैं कंफर्म नहीं कर सकती लेकिन ये वाली ऐसी रेखा है जो तंत्र के ऊपर नहीं बन रही है लेकिन ये इन दोनों के प्रतिच्छेदन से कॉमन निकलकर आ रही है क्योंकि ये पूरा बंद हो जाएगा, बंद होता चले जाएगा और ये तल बंद होता चले जाएगा तो तल दो ये बंद हो गया। तो ऐसी कौन सी रेखा हुई जो काटी या तो ये काटी या फिर ये काटी, तो इसका मतलब कौन सी रेखा काटेंगे हम पीपी डैश। तो जो इन दोनों के प्रतिच्छेदन से मिलने वाली रेखा होगी वो कौन सी होगी आपकी पीपी डैश जो कि समान वक्र किसकी है जेड अक्ष के। तो ये वक्र कौन सा देगी आपको जेड अक्ष, आगे समझ अगर जेड वक्र देगी तो मेरा पहला पहला कोऑर्डिनेट निकल गया जेड कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट निकल गया जेड। मुझे तीन निकालने हैं रो वाई और जेड, दो समतलों के काटने से पहली अक्ष निकल गई मेरी जेड। अब दूसरी लेते हैं, अब कौन कौन सी आएंगी रो और फाई लेंगे या फाई और जेड लेंगे, फाई बराबर सी टू जेड बराबर सी थ्री आ जाओ जरा, फाई बराबर सी टू क्या है देखते जाओ ये फाइव बराबर सी टू है और एक लेना है जेड बराबर सी थ्री, जेड बराबर सी थ्री कैसे बन रहा है आपका ये बन रहा है यही तो है और ये आपका ये बन रहा। अब मुझे प्रतिच्छेदन देखना है दोनों का काम मिल रहा है, ये पूरा ठोस है ऊपर से भी और नीचे से भी डिस्क जो होती है वो ठोस होती है। अब कॉमन नीचे वाला भाग तो मिलेगा ही नहीं कॉमन क्योंकि यहाँ नीचे वाला भाग में तो प्रतिच्छेदन कोई नहीं रहा, मुझे दिख रहा है केवल इतना भाग है जिसमें प्रतिच्छेदन हो रहा है। तो प्रतिच्छेदन के लिए ये तो जेड अक्ष के लिए जा रही है तो इसको तो हम मानेंगे ही नहीं, तो मतलब प्रतिच्छेदन भाग केवल ये वाला है मुझे ये दिख रहा है कि ये ऐसा कॉमन भाग है जो दोनों में है तो ये वाला तो ले नहीं सकती ये वाई के लिए और ये जो चल रहा है वो इसकी खुद की अक्ष चल रही है और ये वाला ऐसा भाग आ रहा है जो ठोस होने की वजह से जो प्लेन में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है जेड वक्र के अंदर भी, तो मतलब इन दोनों के वक्र से ये कौन सी रेखा मिल रही है आपको सीपी, ये मिली मुझे सीपी और जो सीपी है वो इस बेलन की त्रिज्या है, सीपी ये त्रिज्या तो है इससे घुमाओगे ना सीपी जो है वो यहाँ से सब जगह से क्या होगी बराबर होगी, तो सीपी जो है अगर ये त्रिज्या है तो इसे क्या बोल सकते हो रो, तो इसका इससे कोऑर्डिनेट मिल गया मुझे दूसरा रो, रो सी वन और फाई
फाइव सी टू रो सी वन और फाइव सी टू से पहली अक्ष मिली पी पी डैश जो दोनों के इंटरसेक्शन से देगी तीसरी मतलब जेड जेड 48 आता फिर दूसरा लिया फाइव सी टू और जेड सी थ्री दोनों से जो इंटरसेक्शन से मिला मिला वो सीपीओ सीपीओ होती त्रिज्या थी तो मतलब जो मिली वो मिल गई रो अब लास्ट बचा है कौन कौन से बचे अब जेड सी थ्री और रो सी वन हटा दो इसे मैंने एक खोल खोल के अलग दिखा रही हूँ जेड सी थ्री के लिए तो ये हो गया और रो सी वन के लिए ये हो गया सही हो गया अब ये गोला कैसा है आपका ये पूरा सेंटर होता है अब ये पूरा बना हुआ है गोला अब इन दोनों का प्रतिच्छेदन क्या आ रहा है ये पूरा ही आ रहा है तो मतलब इन दोनों का प्रतिच्छेदन ये जैसे ये बोतल नहीं होती है बोतल होती है बोतल का ढक्कन बोतल की जो दोनों साइड होती है वो तो हो गई है और जो ऊपर ढक्कन लगा रहता है वो हो गया जेड और जो ये वाला तल और ये बीच में होता है तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो बोतल का ढक्कन ही बनता है पूरा ऊपर गोला और ये वाला इन दोनों के बीच में क्या है ढक्कन तो मतलब जो ढक्कन है खुद ही पूरा तीसरे वक्र का काम कर रहा है क्योंकि इनके तो नीचे वाले का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ तक काम खत्म कोई प्रतिच्छेदन ही नहीं है जहां से प्रतिच्छेदन चालू हो रहा है यहाँ से अगर प्रतिच्छेदन चालू होगा तो मुझे दिख रही है ये यहाँ तक जा रही है और ये यहाँ तक जा रही है और दोनों किस पर कट रही है इस पर यही ऐसा गोला है जो आपका तीसरा अक्ष देगा मतलब जो तीसरा अक्ष बनता है वो बनता है ये क्या बना व्रत ऊपर वाला व्रत बन गया ऊपर वाला व्रत जब बनाओगे कॉमन करके तो मतलब ये आपका बनेगा व्रत जो देता है वो क्या देता है एंगल मतलब कोण देता है ये पाई कोण चल रहा है सुनो पाई कोण को घुमावा कर मैंने बताया था पाई कोण को घुमाते जाओ ये व्रत की परिधि पर घूमता जाएगा तीनों का व्रत की परिधि पर घूमता जाएगा पाई कोण का मतलब गोला अगर मैं निकालू अगर गोला को बना रहा है तो कौन सा ऐसी चीज है जो इस पर सब पे स्पर्श कर रही है फाई एंगल है जो गोले के हर परिधि पर स्पर्श करेगा यहाँ पर जो प्रतिच्छेदन जो व्रत मिलता है किस कोण का मिलता है आपको फाई कोण समझ में आया क्यों मिल रहा है क्योंकि मैंने बताया था जो जब आप तल को घुमा रहे थे तल जो था वो प्रत्येक परिधि के सारे पर स्पर्श करता हुआ घूम रहा था अगर घूम रहा था तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर पूरी परिधि पर घूमने वाला जो तीसरी अक्ष है वो कौन सी है ये वाला जब इसको काटोगे अंदर अंदर तो ये भी किसमें मिलेगा पी पर तो इसका मतलब पी ऐसा है जिसके निर्देश आप क्या नहीं करते आपको आ गए समझ में कोई सा नहीं आया तो दोबारा ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये 3D है इससे भी थोड़ा सा टफ पड़ेगा गोले वाला उसमें भी ऐसे ही कर दीजिए था लेकिन ये वाला बताना है कौन सा ये वाला जेड वक्र बनना है रो बराबर सी1 और फाई बराबर सी2 ये रो बराबर सी1 और फाई बराबर सी2 अब इसमें बहुत सारे तल होंगे ऐसे अब देखो इन पूरे के तो पीछे ना कौन सी रेखा मिल रही है या तो ये मिल रही है या ये मिल रही है अब ये दोनों मिल रही है तो ये तो ले नहीं सकती क्योंकि मैं अगर ये ले सकती हूँ लेकिन मेरा इसी के ऊपर कार्तीय निर्देश तंत्र है तो मैं कह नहीं सकती कि ये प्रतिच्छेदन से आ रहा है कार्तीय निर्देश तंत्र से आ रहा है तो फिर दूसरी मिलती है मुझे ये एक्सिस जो इसमें कॉमन मिलती है तो यही एक्सिस जो है वो इन दोनों प्रतिच्छेदन से आई जो पीपी डैश है और जैसे मैंने नाम दे दिया जो जेड के समांतर है तो इसे बोल दिया जाएगा अगर जेड के समांतर है तो मैं इसे भी प्रतिच्छेदन बोल सकती हूँ और इसे भी प्रतिच्छेदन बोल सकती हूँ दोनों के मान जेड ही आगे समझना टाइम बचा है टाइम हो गया चलो कल करेंगे हम इसका कंसेप्ट Thank you.